जी हाँ, अगर आप भी अपने फ्री फायर अकाउंट का भैया जी पासवर्ड जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ्री फायर अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जाने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। लो भैया जी, मैं तो आ चुका हूँ मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लिया, वहां पर भी भाई के जल्दी से जल्दी 10K फॉलोअर्स करवा दो। सबसे पहले बात आ जाती है कि हमने अपना फ्री फायर अकाउंट किसके साथ अटैच किया, फेसबुक के साथ अटैच किया, तो आपने फेसबुक का जो है वो पासवर्ड चेंज करना है। अगर जीमेल के साथ अटैच किया तो आपने उसका पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। लेकिन हमें भाई ना ही फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना आता और ना ही जीमेल का, वो कैसे करना है? अब आपने सिंपली करना क्या है, अगर तो फेसबुक के साथ आपका फ्री फायर अकाउंट अटैच है तो फेसबुक का जैसे ही पासवर्ड चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ्री फायर का जो है वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ऐसे में आपने फेसबुक के अंदर आ जाना, फेसबुक के अंदर आओगे यहां पर आपने 3 बगल लाइन के ऊपर क्लिक कर देना, ऊपर आ रहा है सेटिंग्स गरारी का बटन, आपने सिंपली भैया जी इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर आ रहा है अकाउंट सेंटर, अकाउंट सेंटर के अंदर चले जाना, नीचे आएगा भैया जी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। यहां पर आ रहा है चेंज पासवर्ड, आपने चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर फेसबुक को जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, फेसबुक सेलेक्ट करोगे यहां पर कह रहा है पहले करंट पासवर्ड दे दें फिर न्यू पासवर्ड जो भी आपने रखना है। अगर करंट पासवर्ड आपको याद नहीं है तो ऐसे में नीचे आ रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके ईमेल के ऊपर, जी हां आपके ईमेल के ऊपर जो है वो भैया जी आपको रीसेट लिंक पासवर्ड लिंक जो है वो सेंड कर देंगे समटाइम, और समटाइम जो है वो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर कह रहे सेंड कोड वाई ईमेल, ठीक है इसके ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपका फेसबुक अकाउंट कहीं पर लॉग इन है, ठीक है किसी जैसे मेरे इस मोबाइल फोन के अंदर लॉग इन है या किसी और डिवाइस के अंदर लॉग इन है, तो आप सिंपली सेंड कोड वाई फेसबुक नोटिफिकेशन करोगे तो आपके फेसबुक के नोटिफिकेशन के अंदर ही जो है वो 6 डिजिट का कोड चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे, ठीक है यू कैन सी आ गया ना इज योर लॉग इन कोड। जैसे ही आप ये लॉग इन कोड देंगे इधर, ठीक है मैं दे देता हूँ, जैसे ही ये मैंने लॉग इन कोड दिया मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे कह रहे हैं एंटर अ न्यू पासवर्ड, आपसे अब आपका करंट पासवर्ड पुराना पासवर्ड जो है वो नहीं मांगेंगे। इस तरह जो है वो आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर भैया जी फेसबुक के साथ नहीं जीमेल के साथ अटैच है तो उसका पासवर्ड चेंज कैसे करना है, आपने सिंपली भैया जी आपके मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जीमेल की, आपने उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर आपने भैया जी लोगों के ऊपर जो है क्लिक कर देना है, लोगों के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर आ रहा है गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट के ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे आपने स्वाइप करना है, यहां पर आएगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर चले जाना है, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आ रहा है पासवर्ड, आपने पासवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप पासवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दोगे यहां पर जो है वो भैया जी आपको जीमेल की तरफ से जो है वो अब पासवर्ड चेंज करने को कहेगा, ठीक है। यानी कि जितना आपका अच्छा इंटरनेट होगा ना, मेरी तरह नहीं, जितना आपका अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो यू कैन सी वो कह रहा है यहां पर हमें जो है वो अपने ईमेल का भैया जी पासवर्ड दे दे, अगर याद है तो आप जो है वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर भैया जी यहां पर आपको अपने ईमेल का पासवर्ड भी याद नहीं तो नीचे आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, आपने सिंपली भैया जी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये भी मेथड आपके लिए तभी काम करेगा जब आपके डिवाइस के अंदर, जी हाँ डिवाइस के अंदर जो है जीमेल लॉग इन होगा उसका आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो फिर आप ये चीज करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा बगैर ओल्ड पासवर्ड दिए। जैसे हमने उधर पासवर्ड नहीं दिया, अगर पासवर्ड दे दोगे तब भी चेंज हो जाएगा नहीं याद, तो आपने ये मेथड करना जो मैं कर रहा हूं। यहां पर आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर जो है वो आपसे आपके मोबाइल का पिन पैटर्न या भैया जी पासवर्ड मांगेगा, वो आपने दे देना, मैंने दे दिया है, ठीक है। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पिन पैटर्न जो भी देते हैं यहां पर थोड़ी सी जो है वो प्रोसेसिंग लेगा, जैसे प्रोसेसिंग लेगा तो ओल्ड पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधा कहेगा न्यू पासवर्ड जो है वो आप अपना क्रिएट करें। तो ऐसे इस तरह जो है वो आप अपने फ्री फायर का पासवर्ड जो है वो बहुत ही आसानी से, जी हाँ बहुत ही आसानी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउडू चैनल को फर्स्ट टाइम देखा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउडू चैनल। मिलता है एक नए वीडियो में, अब तक ले चाहता सर लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।